और मुझे लगता है 2004 तक आ गई थी। और थोड़ा और अगर ताली ना बजाते गौरव भैया 2022 तक पहुंचती। बहुत ही सुंदर गाने, बिल्कुल रिदम पे लेके, बिना संगीत के इस तरह की म्यूजिक, इस तरह की रिदम बहुत मायने रखती है। यही रिदम लेकर छिबरामऊ महोत्सव को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे अरुणेश चतुर्वेदी जी। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि मंच पर आकर तो लता जी को श्रद्धांजलि दे। आज के भारत माँ के समान सबके दिलों में सम्मान अर्जित करने वाली, जीवन के हर भाव को जीने वाली, अपने शब्दों से उनको अनुभूत कराने वाली माँ, बहन, बेटी और प्रेसी, कोई भाव नहीं छूटा। और प्रत्येक वर्ग उम्र के बच्चों ने, बड़ों ने उनके गीतों को सभी के बीच गाया। आज के गीत, प्रेमी का गीत आप सबके सामने नहीं गा सकते हैं, मगर उनके जो गीत गाए हैं वो आप कहीं भी किसी भी के भी सामने गा सकते हैं। बहुत ही सुंदर। देखा जाए तो आज का कार्यक्रम एक उसी महान हस्ती के लिए था, जिसमें हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि जो भी हमारे बच्चे हैं यहाँ के, वो आगे बढ़ें और निसंकोच इस मंच का उपयोग करें और अपने आसपास, अपने परिचित, अपने दोस्तों को प्रोत्साहित करें। ये एक प्रोत्साहन का मंच है, ये किसी की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए एक साधन भर है। आप यहां आएंगे, हम आपको आगे बढ़ाने का जो भी प्रयास हो सकेगा वो तन मन धन से सभी से करेंगे। तो बस समय को देखते हुए मेरा सभी बच्चे और बच्चियों और सभी को आशीर्वाद और सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाएं। और अंत में जो एक लाइन अभी बच्ची ने गाई थी कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, गर याद रहे। धन्यवाद।